हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जियो जिंदगी विद नेहाकाश। आज इस थर्ड एपिसोड में हम लोग आपको गोवर्धन वृंदावन मथुरा में क्या क्या फेमस है, कौन सा फूड फेमस है, वो सब दिखाएंगे। बेसिकली स्ट्रीट फूड का आज एक पूरा टूर है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट करेंगे और आज आपको दिखाएंगे। और शुरुआत करते हैं हम गोवर्धन जी के यहाँ पर श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार से। ये बेसिकली यहाँ की बहुत फेमस शॉप है जहाँ पर बेड़ई और कचौरी, सब्जी और जलेबी बहुत फेमस है यहाँ की। चलिए अब आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये जो जलेबी है ये प्योर देसी घी में बनी हुई है और इस शॉप पे लगभग सभी चीज़ें देसी घी में ही बनाई जाती है। इनफैक्ट ये जो बेड़ी बन रही है ये भी देसी घी में है। जब इसको टेस्ट करेंगे तो देसी घी का फ्लेवर एक बाइट में पता लग जाता है। चलिए अब इस शॉप की एक एम्प्लॉई से बात करते हैं। दोस्तों, हम लोग हैं गोवर्धन में और आज हम आपसे बात कराते हैं, यहाँ की बहुत फेमस शॉप है। भाई साहब, कितने साल पुरानी शॉप है अपनी? 35 साल पुरानी है। तो क्या क्या मिलता है आपकी शॉप पे? मिठाई मिलता है। और सबसे फेमस क्या चीज़ है आपके यहाँ की? आलू भाई है, सब्जी है, संतरा है और ये पेड़ है, राजभोग है, अच्छा। चलिए देखते हैं, आप इनके यहाँ का टेस्ट करके देखते हैं कैसा है टेस्ट। हम लोगों ने यहाँ पे बेड़ई ली और बेड़ई के साथ यहाँ पे सब्जी फ्री मिलती है। बेड़ई की कीमत, एक बेड़ई की कीमत 20 रुपये है। बेसिकली बेड़ई एक तरह की पूड़ी की तरह है ना, ये पूड़ी कह सकते हो आप इसको, ना इसको आप कचौरी कह सकते हो। आप ये कह लीजिए कि ये पूड़ी की समान है जिसमें दाल की स्टफिंग की जाती है और देसी घी में बने होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। इसके साथ हम लोगों ने जलेबी ली आधा किलो, 340 रुपये किलो यहाँ पे जलेबी मिलती है और जो लस्सी है वो यहाँ पे 45 रुपये की एक गिलास है। सच में बहुत टेस्टी है। लस्सी भी बहुत जोर का है यहाँ पे, केसर गुलाब वाला लस्सी है, ऐसा लस्सी मिलेगा नहीं कहीं पहले। गोवर्धन से हम पहुंचे वृंदावन और वृंदावन की गलियों में जो खाने की महक है उसको आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। यहाँ पर हम लोगों ने लिया खमन। ये जो खमन है यहाँ का बिल्कुल गुजरात स्टाइल में बनाया जाता है, हल्का सा स्वीटनेस रहता है इसमें लेकिन होता बहुत टेस्टी है और गर्मियों में तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा नाश्ता है। और इसके साथ ही हम लोगों ने ली कचौरी। यहाँ पर कचौरी की प्रेजेंटेशन भी इस तरह से है कि वाइट कलर के मटर की सब्जी होती है, जैसे टिक्की में छोले होते हैं उसी तरह से इसको प्रिपेयर किया के दिया जाता है और साथ में इसके ऊपर नमकीन की गार्निशिंग होती है। और इसके साथ ही हम लोगों ने एक दही की गोलगप्पे भी लिए, वो भी सच में बहुत टेस्टी थे। यहाँ का नाश्ता सच में लाजवाब है, मस्ट ट्राई। ये खाने के बाद में हम पहुँचे लस्सी पीने। लस्सी के लिए यहाँ पे श्री जी की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये शॉप बांके बिहारी टेम्पल पे जस्ट टर्न लेते ही कॉर्नर पर ही है और इनका दही इतना लाजवाब है, आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट अपने शहरों में इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि पानी का बहुत असर पड़ता है और बनाने का स्टाइल बिल्कुल जैसे पुराने लकड़ी के रई में घोट के जो लस्सी बनाई जाती थी उसी तरह की इन्होंने एक मशीन बना रखी है। और ये दही की सारी मलाई को आइस के ऊपर जमा देते हैं और जब लस्सी प्रिपेयर हो जाती है तो उसमें भर भर के मलाई डाली जाती है और साथ में ही गुलाब जल और केसर का एक इन्होंने फ्लेवर बना रखा है। सच में दोस्तों, ये भी अल्टीमेट चीज़ है। यहाँ की लस्सी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप जब भी आएँ यहाँ की लस्सी ज़रूर ट्राई करें।
ये 50 रुपए की लस्सी है यहाँ पे। कैसी है पापा लस्सी? और अब शाम हो गई और चारों तरफ बस खाना ही खाना दिख रहा है। हम लोग हैं मुकेश शर्मा चाट भंडार पे। इन लोगों की चाट यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस चाट है। अब इन्हीं से पूछते हैं क्या चीज आपकी सबसे ज्यादा फेमस है। भैया क्या चीज ज्यादा अच्छी बनाते हो आप जो फेमस है जबरदस्त? आलू टिक्की। तो आप ऐसा करो भाई, एक आलू टिक्की, एक आलू टिक्की दे दो और चिल्ला ले, चिल्ला चिल्ला। अच्छा, और एक दोस्तों आप जब भी वृंदावन आए तो यहाँ की टिक्की जरूर खाएं। बिल्कुल देसी घी की इतनी क्रिस्पी टिक्की है इनकी, शानदार। और इसको ये लोग सर्व करते हैं छोटे वाले चने के साथ और साथ में दो कलर की चटनी डालते हैं इसमें, एक ग्रीन और एक मीठी वाली। यहाँ का दही भल्ला भी बहुत फेमस है। ये क्या है भैया? ये आलू टिक्की और ये दही बड़ा। अब ये आप लोग भी ध्यान रखें कि जब ऐसी जगह पर आए ना तो फेमस फेमस शॉप है उसकी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लें। एक बार में पूरा पेट भर लेंगे तो बाकी चीज़ें नहीं खा पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फेमस है, सभी चीज़ों का। हमारा चिल्ला आ गया, बहुत बढ़िया है। इडली तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखो कितना क्रिस्पी है। शादियों वाला बहुत शोर है यार यहाँ पे। शादियों वाला चिल्ला ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या है? इसके पनीर है और आलू है और इसमें भी नमकीन है। क्रिस्पी करने के लिए इसको ये लोग नमकीन भुजिया भुजिया डालते हैं। बिल्कुल अलग है। अरे बन्ने पैसे तो पूछे नहीं, पैसे मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा कितने का क्या आता है, लेकिन है बहुत अच्छी चीज़ है, जरूर क्या चीज़ है। हाँ आलू टिक्की 50 रुपये, पनीर चिल्ला 70 रुपये, लस्सी 50 रुपये, दही भल्ला 50 रुपये, पापड़ी चाट 50 रुपये की है। 50-60-70 रुपये की चीज़ है मैक्सिमम। क्या नाम बताया भैया शॉप का? क्या चाहिए? हाँ सतनाम बदराम। अभी हम लोग हैं बदराम चाट भंडार पे और इन लोगों का कांजी वड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। भैया कैसे दी एक प्लेट? 30 रुपये। 30 रुपये एक गिलास दे दो। किस चीज़ से बनता भी है? मूंग की दाल का एक दे दो। अरे पहले बोल, दो चिल्ले दे। और आपके चिल्ले कितने के हैं? 70 रुपये। 70 रुपये का यार चिल्ला हमने खा लिया, नहीं तो इनका चिल्ला भी ट्राई करते हैं। इसका क्या करें? चार तो भी दे रहे हैं आपको, चार एक दे दो हमको। दे भाई दे देना एक, ओ भैया एक दे देना, दे दे पानी, दे दे पानी मत। हमारे पास ये चिल्ले आ गया कांजी वाला, ये माता जी ले गई हमारा। भैया एक और दे दो, वो तो माता जी ले गई है। क्या है इस होटल में? का लिक्विड बना हुआ बादाम काजू में छोटी इलायची और मुनक्की। अच्छा, चार चीजों का। अच्छा।
ये चाशनी है, ठीक है, ये कम ही डालना, मीठा कम। ये खास है, खास है। और आप जैसी बात कर रहे थे वो ये है। टीम का पर डालिए जी, हमने हम किसी नशे को प्रमोट नहीं करते। ये दूध है भैया, ये दूध है। इसमें अभी ये चल रहा है और थोड़ा सा ठंडक का मौसम आ जाता है तो बादाम पिस्ता और बादाम केसर दोनों चलते हैं। ये ठंडा करती है बेसिकली, ये तो ठंडा करती है, ये तो 12 महीने चलती है। अच्छा। लेकिन बादाम पिस्ता और बादाम केसर केवल जाड़ों के टाइम में चलता है। मथुरा की फेमस ठंडाई बाबू भाई ठंडाई वाले। बहुत बढ़िया, शानदार। हमारी होटल से जस्ट बाहर निकलते ही इस कौन मंदिर से कौन सा टेम्पल है, थोड़ा सा आगे चलते ही प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर के सामने ही बहुत सारे ढाबे हैं, यहाँ पे भोजनालय हैं बहुत सारे। डिनर के लिए आप भी यहाँ आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है ये। हाँ, काफ़ी क्राउड है और एक लाइन से बहुत सारे यहाँ पर ढाबे आपको मिलेंगे, तो आप डिनर के लिए अगर ढूंढ रहे हो वृंदावन में तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करिए, अच्छा खाना है। इस ढाबे के जो मेन्यू के प्राइजेस हैं वो भी बहुत रीजनेबल हैं और बहुत ही अच्छा खाना था। पूरे दिन भर से हमने इतनी चाट खा ली थी कि हमारे पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। लास्ट में हमने सिर्फ एक दाल ऑर्डर करी और साथ में गोभी की सब्जी और तंदूरी रोटी। इतनी रात में भी भीड़ की कोई कमी नहीं है, फुल भीड़ है। फाइनली हम लोगों ने ब्रजवासी से पेड़े ले लिए, वो दूर चल रही है, आंधी आ गई है ऐसे लग रहा है। तो बहुत सारा खाना पीना किया, हमने ढोकला खाया, टिक्की खाई, लस्सी पी, चिल्ला खाया और हमने बेड़ई और आलू खाए, आलू की सब्जी। वो एक और था ना, कांजी वड़ा, कांजी वड़ा खाया, खाया हमने। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें खाई, आपने वीडियो में देखा होगा, प्रसाद की। और लास्ट में हमने ब्रजवासी से पेड़े लिए और अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इस तरह के वीडियोस हम लेकर आते रहें। चलिए, ओके।